इन्वेजन सिर्फ भारत के बाहर से ब्रिटिशर्स और मुगल्स ने नहीं करें, 18वीं शताब्दी में मराठा सेना ने भी इन्वेजन्स और रेड करें, जैसे 1700 सीई में मध्य प्रदेश के गुना एरिया में, 1702 में खानदेश बेरार और तेलंगाना में, 1703 में मालवा एरिया में उज्जैन में, 1705 में गुजरात और फिर से खानदेश में। जिस मराठा रानी ने ये करवाए थे उनको उन्हीं के घर वालों ने कारागार में बंदी बना रखा था। महाराष्ट्र के अलावा ये सब इन्फॉर्मेशन हमारी हिस्ट्री बुक्स में कहीं नहीं है। ये मराठा रानी थी रानी ताराबाई भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और छत्रपति राजाराम की पत्नी रानी ताराबाई। संभाजी राजे की मृत्यु के बाद मुगल राज अपनी तरफ से सारी ताकत लगा रहा था मराठा एम्पायर को तोड़ने के लिए। ऐसे समय में मराठा सेना को डिफेंड करने वाली रानी ताराबाई ने क्यों अपने ही देश में इन्वेड किया, रेड मारी, और क्यों उन्हीं के घर वालों ने उन्हें उनके बेटे शिवाजी द्वितीय के साथ कैद करके रखा, आइए जानते हैं। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। ब्रीदिंग हिस्ट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए और आपका कोई भी सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। स्टार्टिंग विथ नथिंग, शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को खड़ा किया था जब चारों तरफ सिर्फ मुगल राज था और जितने भी हिंदू राजा थे वो या तो मुगल की चाकरी कर रहे थे या वो खत्म हो चुके थे। उस पॉइंट से शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को 300 फोर्ट्स, 50,000 फुट सोल्जर्स और 40,000 कैवलरी तक बढ़ा दिया था। ये मुगल से देखा नहीं गया और मुगल और मराठा में कॉन्स्टेंटली वॉर चल रहा था, जिसको मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जो 27 साल चला था कॉन्स्टेंट। इसमें महारानी ताराबाई का महत्वपूर्ण रोल था। मैं आपको इनकी लाइफ तीन फेजेस में बताता हूँ, तीनों एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट, फिर आप बताइए कि उनके साथ जो हुआ वो सही था या गलत। 12 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद राजा राम को छत्रपति बनाया गया। तब राजा राम की आयु थी 19 वर्ष और उनकी दूसरी पत्नी रानी ताराबाई की आयु थी 14 वर्ष। परंतु इसके 13 दिन बाद ही मुगल ने मराठा एम्पायर पर अटैक शुरू कर दिया। ऐसे ही एक युद्ध में राजा राम को मराठा एम्पायर के सदर्न मोस्ट फोर्ट जिंजी में जाना पड़ा। तब रानी ताराबाई पनाला में ही रुकी और युद्ध कौशल और राजनीति सीखी। फिर 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई को मराठा एम्पायर संभालना पड़ा क्योंकि उनके बेटे शिवाजी द्वितीय अभी भी छोटे थे। यहां से शुरू हुआ मराठा इतिहास का एक नया चैप्टर। औरंगजेब कितना भी बड़ा राजा था, उसकी सेना कितनी भी विशाल थी, बट ये कुछ भी रानी ताराबाई के आगे नहीं टिक पाया। ताराबाई की रणनीति ये थी कि हमें हमेशा बचाव के मोड में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आक्रामक तरीका अपनाया और इसके पहले कि दुश्मन वार करने की तैयारी करे या उसके बारे में सोचे, उसके पहले ही उस पर वार कर दो। मुगल सल्तनत के वो सारे एरियाज जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताए थे, वहाँ उन्होंने 1700 से 1705 के बीच में पहले ही जाके आक्रमण कर दिया और उसको मराठा एम्पायर के अधीन कर लिया। ताराबाई के राज में मराठा एम्पायर बढ़ा भी और समृद्ध भी हुआ। परंतु 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद 27 साल लंबा चला मुगल मराठा वॉर खत्म हुआ और रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठा राज्य की जीत हुई। औरंगजेब के मरने के बाद ही संभाजी के पुत्र शाहूजी को कैद से रिहा किया गया और चूंकि वो ताराबाई के पुत्र से बड़े थे उन्हें मराठा राजगद्दी मिल गई। ताराबाई जिनके कारण वो कैद से बाहर निकले उनको साइडलाइन कर दिया गया। इनफैक्ट कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय और ताराबाई को कैद भी कर लिया गया। 18 साल बाद उनके पुत्र की मृत्यु के बाद उनको कैद से रिहा किया गया। तो पहले मराठा रानी बनना, फिर राज्य को डिफेंड करना और फिर वो डिफेंड करने के लिए कैद में रहना। पहले अपने पति और फिर अपने बेटे को खो देना। समझ नहीं आता कि ताराबाई ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उनको ये सब झेलना पड़ा। घर की आपसी लड़ाई का फ़ायदा मुगल्स ने उठाया और 1761 में मराठा पानीपत की लड़ाई हार गए और वो मराठा साम्राज्य का अंत था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना करी ये सोच के नहीं कि घर के लोग आपस में ही लड़ेंगे राजगद्दी के लिए। पता नहीं क्या होता अगर 1708 के बाद भी ताराबाई का शासन होता, हो सकता था मराठा साम्राज्य और फैला होता, ब्रिटिश राज्य कभी आता ही नहीं। सीखने की बात यह है कि आज बहुत लोग
वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की बात करते हैं। बट क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? कितना इवॉल्व हुए हैं हम तब से आज तक, हमारी सोसाइटी? सोचने की बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री।